प्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय के संग जो है चला होता उसका राज, समय उठाता प्रश्न भी समय करे समाधान। अपने जीवन में वही व्यक्ति बनता है महान, समय का मूल्य पहचान कर जो करता अपने काम। समय का मूल्य उसको पहचानना सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए देख लेते हैं क्या है आज का तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि मंगलवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। कहते हैं कोई भी मनुष्य अपने कर्म और अकर्म का साक्षी होने के कारण स्वयं ही अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छी सोच रखता है और सकारात्मक रहता है, वो स्वयं ही अपना मित्र बन जाता है। और इसके लिए अपनी संगत पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे विचार, दृष्टिकोण और कर्म, हम किस वातावरण में रहते हैं, हमारी संगति कैसी है, उसी से बनते हैं। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए और अपना दृष्टिकोण बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन किया जाए, अच्छे लोगों की संगति में रहें, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें अपना समय व्यतीत करें जो आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। साथ ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए प्रतिदिन अच्छे विचारों को सुनना और देखना आवश्यक है। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्यकृतस्य च। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है, तथा वह स्वयं ही अपने कर्म व अकर्म का साक्षी होता है। Every person is their own friend or enemy and is witness to one's own deeds or misdeeds. भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज आयुर्वेद, जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसके षोडश अंगों के विषय में हम बात करेंगे। किस प्रकार से अष्टांग का जो विभाजन है वो काल क्रम अनुसार षोडश अंगों में हुआ और किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं षोडश अंग हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए, आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। आयुर्वेद, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद के ग्रंथों में अनेकों चिकित्सकीय पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिनका प्रयोग, अध्ययन व शोध आदि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में बृहद स्तर पर किया जाता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद मुख्य रूप से आत्रेय संप्रदाय तथा धन्वंतरी संप्रदाय, इन दो भागों में विभाजित था, जो अध्ययन एवं अध्यापन के विषय विस्तार हेतु 16 भागों में विभक्त किया गया। काय चिकित्सा, कौमार भृत्य, भूतविद्या एवं मानस रोग, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन, वाजीकरण, मौलिक सिद्धांत, शरीर, द्रव्यगुण, भैषज कल्पना, रसशास्त्र, स्वस्थ वृत्त, रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र। आयुर्वेद के इन 16 अंगों के वर्णन के क्रम में
आज और कुछ अंगों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रसायन की। शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। ये धातुएं एक निश्चित परिमाण में रहती हुई शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। शरीर की ऊर्जा और बल इन्हीं पर निर्भर करते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में ये धातुएं जितनी पुष्ट और श्रेष्ठ होती हैं, वह उतना ही अधिक स्वस्थ और बलवान होता है। युवावस्था तक ये धातुएं पुष्ट रहती हैं, पर इसके बाद ये जीर्णता को प्राप्त होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में बुढ़ापा आने लगता है। रसायन के सेवन से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, व्यक्ति अधिक स्वस्थ और बलवान रहता है। रसायन के सेवन से दीर्घायु, स्मृति, बुद्धि, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, युवावस्था की प्राप्ति होने के साथ साथ शरीर की कांति बढ़ती है। वर्ण एवं स्वर में श्रेष्ठता आती है तथा शरीर एवं इंद्रियों में बल की वृद्धि होती है। वाजीकरण। शरीर का 7वां धातु शुक्र है, जो बल का प्रतीक तो है ही, साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए भी आवश्यक है। जिन औषधियों के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है, शुक्र संबंधी विकृतियां दूर होती हैं और संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य बढ़ता है, इस अंग को वाजीकरण कहते हैं। मौलिक सिद्धांत। आयुर्वेद शास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत आदि। यह सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बनी है। यह प्राचीन भारतीय दार्शनिक सिद्धांत है, जिसे आयुर्वेद ने अपनाया है। इसका शरीर में व्यावहारिक स्वरूप वात, पित्त एवं कफ, इन 3 दोषों के माध्यम से होता है। इन दोषों की साम्य अवस्था स्वास्थ्य का परिचायक है और उनकी विषम अवस्था रोग का लक्षण। शरीर। मानव शरीर 6 अंगों वाला है। सिर, मध्य शरीर, दोनों हाथ एवं दोनों पैर। यह शरीर हड्डियों के ढांचे पर अवस्थित है। उनके ऊपर मांसपेशियां, कंडराए, सिरा, धमनी आदि प्रत्यंग हैं और अंततः त्वचा बाह्य भाग के रूप में होती है। मध्य शरीर को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ऊपरी भाग को उरोभाग या छाती तथा निचले भाग को उदर अथवा पेट के नाम से जाना जाता है। उरोभाग में हृदय और फुफ्फुस और उदर भाग में आमाशय, आंत्र, यकृत, प्लीहा, वृक्क एवं अग्नाशय आदि अंग होते हैं। शिरोभाग में मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क एवं सुषुम्ना अवस्थित हैं। इस प्रकार शरीर के अंगों का वर्णन जहां आता है, उसे आधुनिक आयुर्विज्ञान शरीर रचना कहते हैं। जीवंत शरीर की क्रियाएं इन अंगों द्वारा संचालित होती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाचन संस्थान, रक्त संवहन संस्थान, नाड़ी संस्थान एवं मूत्र वहन संस्थान आदि के माध्यम से शरीर की क्रियाएं संचालित होती हैं। इसे आधुनिक विज्ञान शरीर क्रिया के अंतर्गत वर्णित करता है। द्रव्य गुण। द्रव्य चिकित्सा के मुख्य आधार हैं। इन्हें मुख्य रूप से आहार द्रव्य और औषध द्रव्य, इन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आहार द्रव्य के अंतर्गत गेहूं, चना, चावल, दालें, शाक सब्जियां एवं फल आदि का समावेश होता है। इनका आहार के रूप में प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। औषध द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वानस्पतिक, खनिज एवं जांतव। सभी मानवोपयोगी आहार एवं औषधि द्रव्यों का मुख्य गुण रस, वीर्य, विपाक, कर्म एवं प्रभाव जिस शास्त्र में वर्णित हो, उसे आयुर्वेद में द्रव्य गुण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद में वर्णित ये सभी अंग वैज्ञानिक एवं विभिन्न स्तरों पर जीवन के सुचारू संचालन हेतु हमेशा से उपयोगी सिद्ध हुए हैं और इन सिद्धांतों के अनुपालन से हमारा शरीर, मन और आत्मा व्याधियों से मुक्त होते हैं और शक्ति और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति हमारे जीवन को रोग मुक्त बनाने के उपाय बताती है और रोग मुक्त के साथ जीवन को दीर्घायु कैसे रखना है, ये ज्ञान भी आयुर्वेद में वर्णित है। आजकल की जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हृदय संबंधित कई तरह की समस्याओं का खतरा आजकल बढ़ गया है। हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन से युक्त रक्त का संचार करना। बहुत से कारक हैं जो हृदय की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि शरीर में रक्त का संचार ठीक न हो तो समस्या का कारण बन सकता है। यदि हृदय विफल हो जाए, यानी हार्ट फेलियर, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ कई जटिलताएं जुड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या है हार्ट फेलियर, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हृदय
हृदय प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है जिसे ऐसी अवस्था में किया जाता है जब हृदय विफलता की अंतिम अवस्था में हो या जिसे गंभीर कोरोनरी धमनी रोग हो। हृदय फेल होने की स्थिति में हृदय के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। मरीज को अगर हार्ट फेलियर की बीमारी है जो कि वेरियस स्टेजेस होते हैं स्टेज ए बी सी डी, अगर उसको स्टेज डी यानी कि एडवांस्ड हार्ट फेलियर है तो इन कंडीशन में हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली इसके दो मेन कारण होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिसीज और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस्कीमिक हार्ट डिसीज हार्ट अटैक के बाद जो कंडीशन डेवलप होती है उसमें हो सकता है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वायरल इन्फेक्शन के बाद हार्ट कमजोर हो जाता है उससे होता है। इन दोनों कंडीशंस में मेनली हार्ट ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके पास ऐसी स्कीम्स हैं या फंड्स हैं जो जिनमें अगर पेशेंट या उनकी फैमिली अप्लाई करें तो उनको सफिशिएंट फंड्स मिल जाते हैं और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन आसानी से हो सकता है। हार्ट फेलियर यानी हृदय का कार्य करना बंद कर देना, ऐसी स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कोरोनरी धमनी रोग यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदयाघात, हृदय की मांसपेशियों के कमजोर होने पर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, हृदय के वाल्व खराब होना या वाल्व खराब होने पर हृदय को रक्त प्रवाह नहीं मिलता, ऐसे में हृदय विफल होने लगता है। हृदय प्रत्यारोपण से पूर्व रोगी की कई विशिष्ट जांच की जाती है जिसके बाद ही हृदय को प्रत्यारोपित किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में अगर हम देखें तो दो हिस्से हैं, एक है सर्जरी और उसके बाद ऑपरेशन के बाद का केयर। तो ऑपरेशन जो है हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी ज़्यादा जटिल ऑपरेशन नहीं है। नॉर्मली जो हार्ट के ऑपरेशन होते हैं वो दो से तीन घंटे के ऑपरेशन होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी नॉर्मली 3-3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब मरीज़ को आईसीयू में लेके जाते हैं वहाँ पे काफ़ी 7-10 दिन तक का इंटेंसिव केयर देना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है मरीज़ की हेल्थ का और मरीज़ को भी अपना खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जब मरीज़ डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो उसको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं जिससे वो अपने जो नए हार्ट है उसकी केयर करने के लिए मेंटली इक्विप्ड हो। हृदय प्रत्यारोपण में ऑपरेशन या सर्जरी के माध्यम से एक प्रभावित या खराब हृदय को स्वस्थ हृदय से बदल दिया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण एक ऐसा उपचार है जिसे आमतौर पर उन लोगों में किया जाता है जिनकी स्थिति में दवाओं या अन्य सर्जरी से पर्याप्त सुधार नहीं हुआ हो। हृदय प्रत्यारोपण एक बड़ी सर्जरी है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। मरीज घर में कुछ प्रिकॉशंस ले जैसे कि शुरू के महीनों में ज़्यादा लोगों से मिलाप नहीं हो क्योंकि बेसिकली ये होता है कि मरीज को ऐसी दवाइयाँ दी जा रही होती है जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी हम कम करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा अगर भीड़ या मिलने वाले आते हैं तो उनके जो शरीर में इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसको अपने हेल्थ का इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो घर का ही खाना खाना है, जो दवाइयाँ हैं वो नियमित तरीके से लेनी है। और बाकी इसके अलावा अगर मरीज़ को कुछ दिक्कतें होती हैं जैसे कि थोड़ा बुखार आने लगे या फिर खांसी आने लगे या हल्की पैरों में सूजन आने लगे, भूख लगना बिल्कुल सडनली बंद हो जाए, तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे पता चल सकता है कि हार्ट शायद रिजेक्ट हो रहा है और उसको ऐसे में तुरंत अस्पताल में जाके अपने ट्रीटिंग टीम से संपर्क करना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नंबर्स में आगे आएँ और अपना ऑर्गन्स डोनेट करें, प्लेज करें। और प्लेज करना भी बहुत ही आसान है, नोटो की वेबसाइट है, उसमें आप एक फॉर्म बस भरना है और आपका ऑर्गन्स प्लेज हो जाता है। हृदय प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाता है और सामान्य जीवन जी सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हृदय के प्रत्यारोपण की आवश्यकता है और वो इस इंतजार में हैं कि उन्हें एक स्वस्थ हृदय मिल पाए, इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग अपने अंग दान की प्रतिज्ञा लें और साथ ही अपने हृदय को स्वस्थ रखना भी काफी आवश्यक है। तो छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका पालन करके हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। योग हमारे स्वास्थ्य में कितना उपयोगी हो सकता है ये भी जानेंगे। उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में सुख का सिद्धांत है स्वास्थ्य, और स्वस्थ रहने का मुख्य सिद्धांत है योग। योग हमें बहुत सी रोगों से बचाता है, रोग मुक्त जीवन के लिए महामंत्र माना जाता है। बहुत सी बीमारियां हैं जीवन शैली से संबंधित जो कई लोगों को प्रभावित करती हैं, और इसका कारण तनाव, दबाव या फिर शारीरिक श्रम की अधिकता हो सकती है। ऐसे में रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने शरीर को कैसे विश्राम देना है, रिलैक्स करने के लिए कौन से योगिक क्रियाएं लाभकारी हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं श्रुति नायर। आइए आज हम कुछ ऐसे आसन देखेंगे जिनसे हमारा मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होगा। आइए सबसे पहले हम करेंगे यष्टिकासन। इस आसन को करने के लिए हम अपने मैट पर सीधा लेट जाएंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ पूरी तरीके से स्ट्रेच करें। अपनी सांस को 6 सेकंड के लिए रोकें। सांस को छोड़ते हुए अपने हाथ और पैर दोनों को रिलैक्स कर अपने बॉडी के पास आराम से रख लें। यहां से हम आ जाएंगे अपने दूसरे आसन पर, वो है सुप्त वक्रासन। सुप्त वक्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को टी पोजीशन में लाएंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, जितना हो सके अपने हिप के पास लाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ दाएं तरफ कर देखेंगे बाएं तरफ। सांस लेते हुए अंदर आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस लेते हुए अंदर, हाथों को रिलैक्स और पैरों को भी रिलैक्स कर। हमारा तीसरा आसन है हस्तपाद अंगुष्ठासन। इसे करने के लिए हम अपना दायां पैर सीधा ऊपर उठाएंगे और उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। 6 सेकंड रुककर धीरे से अपना पैर नीचे और हाथ नीचे आराम से रखेंगे। अब हम दूसरे पैर को ऊपर उठाकर उसे भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़कर हाथ और पैर दोनों को नीचे लाकर आराम से रिलैक्स करेंगे। ये थे कुछ आसन जिनसे आप अपनी मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर में रिलैक्सेशन लाने के लिए कुछ तो करना जरूरी है। जैसे तेल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए या तिल का तेल ले लीजिए, और सिर से पैर तक लंबे स्ट्रोक में मालिश करें और घुटने और इन जगह गोल गोल हाथ फिराएं। दूसरा, लैवेंडर ऑयल जैसी चीज़, उसे सूंघना या गर्म पानी में डालकर गुनगुने पानी में या गर्म पानी में स्नान करना, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मिंट की चाय, पुदीने की चाय बना के लीजिए। पुदीने उसमें हरी चाय की पत्ती डालकर उबाल कर उसे ठंडा करके धीमे धीमे आनंद से उसे पीजिए। और चौथा, शरीर के एक एक भाग को ढीला छोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए शरीर को आप ढीला छोड़कर शरीर के प्रति एक वजन जमीन पर उतार दें और शांति से लेटें। और पांचवा, मन को हमेशा तनाव फ्री रखें तो रिलैक्स्ड ही रहेंगे। नमस्कार। ज्ञान में किया गया निवेश सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ज्ञान वो धन है जिसका जितना अधिक उपयोग किया जाए उसमें उतनी ही वृद्धि होती है। संस्कृत भाषा सीखने का क्रम संस्कृत पाठशाला में सतत ही चल रहा है। आज हम सीखेंगे वर्तमान कालिक द्विवचन वाक्य बनाना प्रथम पुरुष में। किस तरह के वाक्य हैं, आइए समझ लेते हैं। चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान।
मित्राणी नमो नमः। एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणी, संस्कृत पाठशाला में हम अब तक वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एकवचन व बहुवचन रूपों को सीख चुके हैं। पहले सीखे हुए अंशों का उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास कर लेते हैं। यदि वाक्य हो, तुम मतदान करते हो, तो संस्कृत में कहेंगे त्वं मतदानं करोषि, त्वं मतदानं करोषि। यदि इसका बहुवचन रूप बनाना हो, अर्थात कहना हो तुम सब मतदान करते हो, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा यूयम मतदानम कुरुथ, यूयम मतदानम कुरुथ। एक बार पुनः आपको स्मरण करा दें कि मध्यम पुरुष का कर्ता कभी भी नहीं बदलता। मध्यम पुरुष एकवचन में कर्ता सदैव त्वम रहेगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में कर्ता सदैव यूयम यह रहेगा। अब मध्यम पुरुष के एकवचन व बहुवचन कर्तृपद सीखने के बाद हम आज सीखेंगे कि मध्यम पुरुष द्विवचन में वाक्य कैसे बनाने हैं। मित्रों, आप जानते ही हैं कि क्रिया के मध्यम पुरुष बहुवचन रूप बनाते समय धातु के साथ थ वर्ण जोड़कर हमने रूप बनाया था। जैसे पठ धातु के साथ थ वर्ण जोड़कर बनाया था पठथ, जिसका अर्थ है तुम सब पढ़ते हो। लिख से बनाया था लिखथ, अर्थात तुम सब लिखते हो। अब हमें थ के स्थान पर केवल थह यह लगाकर मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बना लेने हैं। जैसे पठथ की जगह है पठथह कह देने से यह द्विवचन रूप बन जाएगा। इसी प्रकार लिखथह, खादथह आदि मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप हमें बनाने हैं। एकवचन व बहुवचन की भांति द्विवचन का कर्ता भी अर्थात सब्जेक्ट भी फिक्स रहेगा। मित्रों, मध्यम पुरुष द्विवचन में कर्तृपद युवाम यह पद होगा, अतः क्रियापदों के साथ युवाम कर्तृपद जोड़कर वाक्य हमें बनाने हैं। आइए अब अविलंब बना लेते हैं वर्तमान काल में मध्यम पुरुष की द्विवचन की क्रियाओं को। वाक्य बनाना है युवाम नमथः, युवाम नमथः, अर्थात तुम दो नमस्कार करते हो। वाक्य है युवाम वदथः, युवाम वदथः, अर्थात तुम दो बोलते हो। युवाम पश्यथः, युवाम पश्यथः, अर्थात तुम दो देखते हो। युवाम पृच्छथः, युवाम पृच्छथः, अर्थात तुम दो पूछते हो। यदि वाक्य बनाना हो तुम दो जाते हो, तो संस्कृत में कहेंगे युवाम गच्छथः, युवाम गच्छथः, तुम दोनों दौड़ते हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे युवाम धावथः, युवाम धावथः। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य है युवाम अटथः, युवाम अटथः, अर्थात तुम दो घूमते हो। युवाम तिष्ठथः, युवाम तिष्ठथः, अर्थात तुम दो ठहरते हो, तुम दो खेलते हो। इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे युवाम क्रीडथः, युवाम क्रीडथः, अर्थात तुम दोनों खेलते हो। मित्रों, ध्यान रखें मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियाओं पठथः, लिखथः, खादथः आदि के साथ कर्तृपद युवाम के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और क्रियाओं के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन के वाक्यों के अभ्यास को लेकर पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः। जिस प्रकार जीवन में ज्ञान न होना जीवन में अंधकार लाता है, ठीक उसी तरह शब्दों का प्रयोग ठीक से यानी उचित तरह से न करना रिश्तों में अनबन का कारण बनता है। आजकल बहुत से लोगों की यही समस्या है कि दूसरों के साथ उनका तनाव बना रहता है और इसका बड़ा कारण होता है शब्द। इसीलिए कहा जाता है शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द बने औषधि, एक शब्द करे घाव।
तो शब्द को संभल कर बोलना चाहिए। भाषा अपनी कैसी रखनी है इसकी शक्ति हमारे हाथ में होती है। शब्दों पर निरंतर कार्य करते रहिए और अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखिए, क्योंकि शब्दों का भी अपना ही स्वाद होता है। इसलिए उसे दूसरे को परोसने से पहले स्वयं चख लेना चाहिए और अगर वो शब्द उचित ना लगे तो दूसरों को भी नहीं बोलने चाहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।